बहुत बार ये सवाल पूछा जाता है कि मुझे वेट कम उठाने हैं या मुझे वेट ज्यादा उठाने हैं, मुझे रिपीटेशंस कम करने हैं या मुझे रिपीटेशंस ज्यादा करने हैं। इसका सिंपल जवाब है, अगर आपको मस्कुलर एंड्योरेंस ये आपका ऑब्जेक्टिव होगा तो आपको कम वेट वेट उठाते हुए ज्यादा रिपीटेशंस करने पड़ेंगे और आपका ब्रेक पीरियड भी कम होगा। लेकिन जब हम स्ट्रेंथ डेवलपमेंट की बात करते हैं तब हमें हेवी वेट उठा के कम रिपीटेशंस करने पड़ते हैं। हेवी वेट मतलब कितना वेट, तो आपका जो वन रेपिटेशन मैक्स है, वन आरएम जिसे कहते हैं, मतलब आप एक रेपिटेशन में सबसे ज्यादा वेट कितना उठा सकते हो, वो आपका वन आरएम हो गया। उसके 90 to 100% में अगर आप वेट उठाते हो, अगर आपको एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ डेवलप करना है तो वहां पे आपका रेपिटेशन कम होगा लेकिन आपका वेट ज्यादा होगा। अगर आपको मस्कुलर एंड्योरेंस के ऊपर काम करना है तो आप वेट कम उठाते हो 30 to 40% ऑफ योर वन आरएम और आपके रेपिटेशन 12 to 18 या 20 तक जा सकते हैं।